हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के पार्ट टू में बहुत सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल में नए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वट इज़ द पोजिशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020। भारत का स्थान ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कहाँ पर है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा। इस लिस्ट में पहले स्थान पर हांगकॉन्ग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। भारत के किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर मेघालय होगा। सॉरी, एक भूल हो गया है मेरी तरफ से। और मेघालय का राजधानी शिलांग और इसके सीएम जो कि कोनराड संगमा है। किनको 2020 के गुरु केलुचरण महापात्र के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, राजगोपाल मिश्रा को इस अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को उड़ीसा गवर्नमेंट देता है और राजगोपाल मिश्रा जो कि सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, इनको इस अवार्ड दिया गया है। हु ओन द टाइटल ओमेन्स सिंगल यूएस ओपन 2020, 2020 के महिला सिंगल यूएस ओपन किन्होंने जीता है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, नाओमी ओसाका, उन्होंने इस साल के वुमेन सिंगल यूएस ओपन जीता है। ओसाका जी जापान से हैं और जापान का राजधानी टोक्यो है, इनको आपको याद रखना है। कौन सी कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर लॉन्च किया है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, एप्पल कंपनी ने। और एप्पल कंपनी के सीईओ जो कि टीम कुक हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। किन्होंने 2020 के पुरुष सिंगल टाइटल यूएस टूर्नामेंट जीता है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, डोमिनिक थीम है। और इस मेंस सिंगल टाइटल के विजेता जो कि 2019 के राफेल नादाल हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। किस दिन को भारत में जातीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? आंसर कीजिए इसका। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो कि बी होगा, 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है और ये हिंदी दिवस 1953 से हर साल मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड, किनको अपॉइंट किया गया है आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, राजेश खुल्लारा जी को। और राजेश खुल्लारा जी इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन चारों देशों को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक में। भारत के द्वितीय ऐसे कंपनी जो कि बाजार पूंजीकरण में 9 ट्रिलियन रुपए को अचीव किया है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री है, इसको आपको याद रखना है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फास्ट गेम्स? पेटीएम फास्ट गेम के लिए किनको ब्रांड एम्बेसडर रूप में चयन किया गया है? आंसर दीजिए इसका। ये बहुत बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है। इसका आंसर जो कि सी, सचिन तेंदुलकर होगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया, भारत का स्थान कहाँ पर है इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कहाँ पर है? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी, 54वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर टर्की है, इसको आपको याद रखना है।
विच कंट्री टॉप्ड, किस कंट्री ने टॉप किया है इन द SCCI इंडेक्स 2020। SCCI का फुल फॉर्म जो कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स होता है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर जो कि ए होगा सिंगापुर, और दूसरे स्थान पर हेलसिंकी, और तीसरे स्थान पर ज्यूरिक कंट्री है, इनको आपको याद रखना है। विश्व बांस दिवस और वाटर मॉनिटर दिवस किस दिन में मनाया जाता है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इस डेट को आपको याद रखना है। विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड इन द इंडियास हैप्पीएस्ट रिपोर्ट 2020 इन बिग स्टेट। अगर हम बिग स्टेट को काउंट करेंगे तो हैप्पीएस्ट रिपोर्ट 2020 में कौन टॉप किया है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा पंजाब, और छोटे स्टेट हम काउंट करेंगे तो मिजोरम फर्स्ट में होगा। विच कंट्री क्रिएटेड, कौन सा देश बनाया है द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आंख, जो दुनिया का सबसे पहला बायोनिक आंख है, किस कंट्री ने बनाया है, आंसर कीजिए इसका। यह अभी अभी न्यूज के सुर्खियों में था। इसका आंसर जो कि बी होगा, इसके PM स्कॉट मॉरिसन है, और इसका कैपिटल जो कि कैनबेरा है, और सबसे बड़ा शहर इसका सिडनी है, इनको आपको याद रखना है। विच इंडियन क्रिकेटर विल सेट अप ए क्रिकेट एकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर, आंसर कीजिए इसका। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो कि सी सुरेश रैना जी, जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी शुरू किया है। IPL में केवल ऐसे कौन कैप्टन है जिन्होंने 100 मैच जीते हैं एक टीम के लिए, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, MS धोनी जी ने, जो कि चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है, और MS धोनी के अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। When was International Day of Peace celebrated? किस दिवस को हर साल अंतर्जातीय शांति दिवस के नाम से मनाया जाता है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए 21 सितंबर होगा, हर साल इस दिवस पर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। Who won the 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल, 2020 के पुरुष सिंगल इटालियन ओपन टाइटल किन्होंने जीता है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर सी जो कि नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने जीता है, और इटालियन ओपन जो कि क्ले ग्राउंड में खेला जाता है, सॉरी क्ले कोर्ट में। विच कंट्री टॉप्ड ऑन फीफा 2020 रैंकिंग, 2020 के फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए बेल्जियम होगा, जो कि एक पश्चिमी यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। हु हैज बीन नेम्ड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ माली, माली का अंतरिम प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है, आंसर कीजिए इसका। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि माली जो कि पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है, और इसका कैपिटल जो कि बामाको है, इसका आंसर ए बाह नदवा है, इनको अपॉइंट किया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ माली। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत के प्रादेशिक एम्बेसडर किनको बनाया गया है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, खुशी चंदलिया, जो कि सूरत के 17 साल के एक महिला हैं, इनको प्रादेशिक एम्बेसडर बनाया गया है भारत का। हाउ मच हैज द प्राइस ऑफ नोबेल प्राइज मनी इंक्रीज्ड इन दिस ईयर, इस साल में नोबेल प्राइज के विजेता का जो अमाउंट होता है, विनिंग अमाउंट, उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, $110,000 की बढ़ोतरी की गई है, इसको आपको याद रखना है।
who has become the first woman pilot to fly a Rafael. कौन से ऐसे महिला पायलट हैं जिन्होंने राफेल को उड़ाएंगे पहली बार भारत में? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, शिवांगी सिंह है, और राफेल के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सितंबर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेट्स को आपको याद रखना है, जिनमें पहले स्थान पर आता है 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर जो कि वर्ल्ड रेबीज डे, विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, और 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत जल्द हम मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।